आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कई राज्यों में पुलिसिंग कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे है। प्रभारी डीजीपी के सहारे देश के 8 राज्य चल रहे हैं। यूपी में स्थायी डीजीपी की 1.5 साल से तैनाती नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी कार्यवाहक डीजीपी है। देखिए, इससे समझ आता है कि आखिर पुलिसिंग व्यवस्था, कानून व्यवस्था इन 8 राज्यों में किस प्रकार से, क्योंकि पुलिसिंग कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे चल रही है। हमारे साथ में शादाब जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शादाब, कहीं ना कहीं 8 जिलों में ये चौंकाने वाली बात है कि कार्यवाहक डीजीपी है, ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, ऐसे में अपराध का ग्राफ कैसे कम किया जाएगा जब कार्यवाहक डीजीपी काम करेंगे इन्हीं राज्यों में? बिल्कुल, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 1.5 साल से पुलिस मुखिया की जो कुर्सी है वो कार्यवाहक के भरोसे चल रही है। मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी हैं विजय कुमार, उनका अब रिटायरमेंट भी है, 31 जनवरी को उनका रिटायरमेंट है। ऐसे में अब तस्वीर साफ नहीं हो रही है, प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिलेगा या कार्यवाहक, ये अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन अकेले यूपी ही नहीं है, उसके साथ साथ और ऐसे राज्य हैं जहां पर कार्यवाहक डीजीपी सेवाएं दे रहे हैं। इस कड़ी में जो नाम जुड़ा हुआ है वो राजस्थान का भी है, उसके अलावा राजस्थान है, उत्तराखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी सरकार कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति कर रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि जो है क्या कोर्ट का आदेश मानती है या फिर यही तरह ही बिल्कुल शादाब, और कहने को देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी नहीं है, 1.5 साल से नहीं है, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े यहां पर हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं।